नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से एक ग्रेटर और एक थाली की मदद से हम ढेर सारी बातें बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे नए नए किचन टिप्स जो आपके काम को आसान करेंगे, और साथ ही साथ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लाइफ टाइम तक काम आएंगी और आपके खर्चों को भी बचाएंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, मेरी आज की यहाँ पर पहली सबसे यूजफुल ट्रिक है यहाँ पे लहसुन को लेके। लहसुन का इस्तेमाल हर घर में, हर किचन में किया जाता है। आमतौर पे अब इसका इस्तेमाल हम अपनी सब्जियों में करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपके खर्चे को भी बचाएगा और आपकी बहुत बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक फोक की। तो यहाँ पर मैंने ये कांटे वाली चम्मच ले ली है और एक बढ़िया सा लहसुन का पीस मैं यहाँ पर छील लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लहसुन को इस तरीके से छील लेना है और ये जो फोक है इसके अंदर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गैस को ऑन करेंगे और इस लहसुन को थोड़ा सा हम अलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा काला नहीं हो जाता, भुन नहीं जाता। बस आपको थोड़ा सा हाथों से टच करके देखना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं। कई बार आपने देखा होगा कानों में दर्द की समस्या होती है, कई बार कानों में पानी चला जाता है या साबुन चला जाता है तो कान दर्द करने लग जाते हैं, या फिर कई बार कनफेड हो जाता है तो भी बहुत दिक्कत होती है। तो कभी भी अगर आपको कानों से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, तो आप इस तरीके से लहसुन को गर्म करके कानों के आसपास और कानों के अंदर की साइड लगाइए, जिससे कि आपके इस दर्द में बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। अगली यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों मेरी यहाँ पर बेकार पड़े हुए कुशन को लेके। कई बार हम सबके घरों में कुशन कवर या फिर पिलो कवर, कई बार इनका कलर फेड हो जाता है या फिर ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको बेकार समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर सकता है। कई बार दोस्तों हम ऐसा होता है कि हम सब्जियाँ बाहर से लेकर आते हैं और इस तरीके से पॉलीथीन में ही बंद रहती है, लेकिन कई बार हमें उनको बनाने का टाइम नहीं मिल पाता और वो सब्जियाँ पड़े पड़े पॉलीथीन के अंदर ही सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके कुशन कवर या पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्जियों को हफ्ते भर से ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए। इससे आपकी सब्जियां जो हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती, क्योंकि जब इसके अंदर नमी आ जाती है ना तो सब्जियां जल्दी से सड़ने शुरू हो जाती है, लेकिन इस तरीके कपड़े के अंदर बिल्कुल भी सब्जियां नहीं सड़ती हैं। आराम से इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। अगली यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों हमारे यहाँ पर बाती को लेके। अब दोस्तों, त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो हमें अक्सर ना बातियाँ बनाने का बहुत टाइम हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से ना आप फटाफट से ढेर सारी बाती बना सकते हैं। वैसे तो ये बाती मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप घर पर बना सकते हैं ढेर सारी बिल्कुल मार्केट जैसी बातियाँ, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। बस इस तरीके से आपको रुए के फोहे को इस तरीके से लेना है, हाथों पर थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी आपको लगाना है और बहुत आसानी से आप बिल्कुल मार्केट जैसी बाती बना सकते हैं, वो भी ढेर सारी। तो इसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करके इस तरीके से आपको फटाफट से ये वाली बातियां बना लेनी है। अब दोस्तों, अब यहां पर हम एक काम और करेंगे। ये जब बातियां हमारी तैयार हो जाएंगी तो हम यहां पर लेंगे कुमकुम, क्योंकि हमें इसे रंग और शेप बिल्कुल देना है जैसे बाहर की बातियां होती है ना मार्केट वाली, बिल्कुल वैसा। तो थोड़ा सा हम कुमकुम लेंगे और इसमें घी मिला देंगे। उसके बाद ये जो इसकी बाती का हिस्सा है ना, ऊपर वाला चोंच, इस पे लगा देंगे इस तरीके से हम कुमकुम। ये बिल्कुल उसको वैसा ही लुक देगा जैसा कि हम बाहर मार्केट से बाती खरीद कर लेकर आते हैं, जो देखने में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और त्योहारों के सीज़न में ना आप इस तरीके से ढेर सारी बातियाँ बना सकते हैं। अब ग्रेटर की मदद से आप किस तरीके से बाती बना पाएंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा दिवाली में हमें काफ़ी सारे दिए जलाने पड़ते हैं और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बाती बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिए काफ़ी सारे होते हैं। तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लेना है एक ग्रेटर और उसके ऊपर लगा देना है थोड़ा सा घी। थोड़ा सा घी आपको अपने हाथों पर भी लगा लेना है ताकि अच्छे से ये बाती बन सके। अब आपको ले लेनी है अगरबत्ती की कोई भी ऐसी स्टिक या कोई और स्टिक आपके पास हो इस तरीके की, तो आप ले सकते हैं। इस तरीके से ग्रेटर के ऊपर आपको इसे थोड़ा सा रोल कर देना है और आपकी ये बाती बन के तैयार हो जाती है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारी बाती बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इस तरीके से कैसे बनाएंगे हम ग्रेटर के ऊपर। आप चाहें तो इसके अलावा ना एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में जो थाली होती है, प्लेट होती है या फिर रोटी बनाने का चकला होता है, आप उसका इस्तेमाल
भी कर सकते हैं। इसी तरीके की स्टिक को आपको लेना है और दोनों तरफ से आपको इस तरीके से बातें बना लेनी है, यानी कि एक ही बार में आपकी कुछ ही सेकंड्स के अंदर दो दो बातियां बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस त्यौहार के सीज़न में ना आप इस तरीके से ढेर सारी बातें बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारे बर्तनों को लेके। बर्तन तो हम रोज़ ही धोते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हमारे बर्तनों में से स्मेल आने लगती है, और ऐसा तब होता है जब कई बार हमारे घर में नॉनवेज बनता है और या फिर बर्तनों के ऊपर उसकी स्मेल रह जाती है, सिंक वाले एरिया में उसकी स्मेल रह जाती है, और कई बार बर्तन धोने के बाद भी वो स्मेल नहीं जाती है। अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा होता है या हुआ है तो आप ना ये वाली ट्रिक यूज़ करिएगा। थोड़ा सा आपको बेसन ले लेना है, यानी कि चने का आटा, थोड़ा सा बेसन आप इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा आपको इसमें पानी डाल देना है। बेसन जो होता है ना, ये हर तरीके की स्मेल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, खासतौर पर बर्तनों की स्मेल को। तो आप यहाँ पर अपने सिंक एरिया में और बर्तन जो भी आपके हैं जिसके ऊपर आपको लगता है स्मेल रह गई है नॉनवेज की, खासतौर पर अंडों की बहुत बुरी स्मेल आती है जो कि कई बार ऐसी रह जाती है बर्तन धोने के बाद भी या सिंक एरिया में रह जाती है, तो आप ना इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। इससे एक ही बार में सारी की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, चाहे फिर बर्तनों की हो या फिर सिंक की हो। तो ये बिल्कुल आजमाई हुई ट्रिक है, आप इसका यूज़ करिएगा। थोड़ा सा बेसन मैं यहाँ पर जो प्लेटों में है ये सिंक पर भी लगा देती हूँ, ताकि जो सिंक की जो स्मेल होती है नॉनवेज की वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है। अगर आपको भी नॉनवेज खाने का शौक है लेकिन आपको ये दिक्कत होती है कि बर्तनों में से या सिंक एरिया में से स्मेल आती है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। क्योंकि जब स्मेल सिंक के अंदर आती है ना, तो उसकी वजह से जो कॉकरोचेज हैं या कीड़े मकोड़े हैं वो गंदगी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और फिर ये जो सिंक की जाली है इसमें से कान खजूरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से सिंक एरिया को आप इस तरीके से बेसन से बढ़िया से आप लगाने के बाद पानी से वॉश कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको बेसन का इस्तेमाल करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपके किचन एरिया को भी क्लीन करेगी और आपके काम को भी आसान करेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।